नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आज पूरे देश भर में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं, वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो 81 विधायक जो हैं वो विधानसभा पहुंच रहे हैं। लेकिन खास बात है कि हमारे साथ जो विधायक है वो पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंची। हालांकि पहली बार वो शपथ लेने के लिए पहुंची थी और दूसरी बार वो राष्ट्रपति चुनाव में अपना मतदान देने के लिए पहुंची है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के विधायक शिल्पी नेहा तिर्की हैं। शिल्पी नेहा तिर्की जी, सबसे पहले आपका एचडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी बार विधानसभा पहुंची है, पहली बार शपथ लेने के लिए आई थी और आज राष्ट्रपति चुनाव में वोट करने के लिए पहुंची है, कैसा है ये एक्सपीरियंस आपका? बहुत ही मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूं कि आज मैं दूसरी बार जब यहां पे आई हूं तो इतने बड़े राष्ट्रपति पद का चुनाव के लिए आई हूं, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। क्या कहेंगी महिला सम्मान के लिए आप, जिस तरीके से एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जो हैं उनको फुल समर्थन मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यशवंत सिन्हा जो हैं राष्ट्रपति उम्मीदवार वो कमज़ोर पड़ रहे हैं? देखिए, अभी तो समय ही बताएगा, चुनाव आज हो रहा है, हमें थोड़ा सा रिजल्ट के लिए वेट करना चाहिए, उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट्स इन द कार्ड। लेकिन फिर भी अंतरात्मा क्या कह रही है, क्योंकि लोग आज जो वोट दे रहे हैं अंतरात्मा की आवाज़ जो है वही उस कार्ड में जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो विधायक है वो इस बात से असंतुष्ट ज़रूर हैं, कई कांग्रेस के विधायकों ने ये कहा है। अंतरात्मा की बात सुनने की ज़रूरत है और इसीलिए लोकतंत्रता को बचाने की भी बहुत ज़रूरत है और आज उसी का, वही लोकतंत्र का हम रक्षा करने यहाँ आए थे और उसी के हित में मैंने अपना वोट दिया है। बिल्कुल, लेकिन महिला विधायक होने के नाते आप क्या समझती हैं कि देश की पहली ट्राइबल महिला जो कि राष्ट्रपति पद इतने बड़े ऊंचे पद पर जा रही हैं, आप क्या समझती हैं? मुझे इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है कि एक महिला, आदिवासी महिला उम्मीदवार है, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। मगर भाजपा की वो जो उम्मीदवार है, भाजपा ने आज तक आदिवासी के हित में क्या किया है? जो अगर आप मान सम्मान का भाजपा बात करता है, अगर आपको हमारा मान सम्मान का इतना ही पड़ा है तो आप हमारा जो लूटा हुआ, जो आपने गैर कानूनी तरीके से ज़मीन लूटा है और कोर्ट कह रही है आप वापस करो उस ज़मीन को, तो आप वापस कर दो हमें हमारा मान सम्मान को। आपने इस राज्य में आदिवासी का CNT एक्ट को जो बदलने का कोशिश किया उसमें आपको हमारा मान सम्मान का नहीं पड़ा हुआ था। तो जहाँ पे आपको मान सम्मान दिखाना है, जिस कानूनी हित में आपको मान सम्मान दिखाने की ज़रूरत है आदिवासी को, आप उसमें तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैं ये पूछना चाहती हूँ भाजपा को, एक आदिवासी महिला ही क्यों? ये तो बस एक वोट बैंक के लिए क्या मास्टर कार्ड बीजेपी ने किया है एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को उठाकर एक ट्राइबल फेस बनाकर, ताकि कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाए? देखिए, 2024 का चुनाव आ रहा है, भाजपा बहुत अच्छे से तैयारी कर रही है और विपक्ष की क्या तैयारी है? विपक्ष की जो तैयारी है वो भी आपको पता चल जाएगा, मगर देखिए ये जो तैयारी है भाजपा की आपको दिख ही रही है, आपके सामने बिल्कुल ये एक कार्ड खेला है उन्होंने और ये आपके सामने है अभी। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो कांग्रेस के बात करेंगे तो आपके जो पिताजी हैं वो पूर्व विधायक भी रहे हैं, अभी पार्टी में भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन आप जिस तरीके से फ्लोर पे, अगर हम बात करें विधानसभा के फ्लोर पे, जिस तरीके से कांग्रेस कमज़ोर पड़ती जा रही है राज्यसभा चुनाव के बाद, अब राष्ट्रपति चुनाव में भी गठबंधन कमज़ोर पड़ रहा है क्या? क्योंकि JMM का समर्थन NDA को जा रहा है, ऐसे में कांग्रेस की नाराजगी तो साफ देखने को मिल रही है। देखिए, ऊंच नीच आती है, सभी महागठबंधन में उतार चढ़ाव आता है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई कमज़ोर महागठबंधन कमज़ोर पड़ रहा है। हमने जो चुनाव लड़ा था जिन मैनिफेस्टोज में, जिन विकास का दावा में, वो तो हम पब्लिक को देने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। हमने कभी जो महागठबंधन फॉर्म किया था वो कभी हमने राष्ट्रपति चुनाव का तो मुद्दा लेके कभी हमने फॉर्म नहीं किया था। तो इस बात को, इस मैटर को लेके एक गठबंधन का स्ट्रेंथ को जज करना ये बिल्कुल सरासर गलत है। मतलब राष्ट्रपति चुनाव में जो JMM जो है वो NDA का समर्थन कर रही है, लेकिन ऐसे में ये कहना कि गठबंधन कमज़ोर हो रहा है ये सही नहीं है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सबसे ज़्यादा सेक्युलर पार्टी है। हम सबका डिफरेंसेस को हम रिस्पेक्ट करते हैं। JMM एक पार्टी है, अगर वो महागठबंधन में आ गई है इसका ये मतलब नहीं है कि उसने अपना अस्तित्व खो दिया है। उसने अपने प्रायोरिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपना वोट को, JMM ने जो डिसाइड किया है वो बहुत सारे चीज़ों को देखते हुए उसने डिसाइड किया है और हम इस चीज़ का रिस्पेक्ट करते हैं।
दूसरी तरफ से कांग्रेस जो हमारा पार्टी है, हम अपना पार्टी के विचारधारा से जुड़ के पार्टी के हित में हम वोट कर रहे हैं, वही कांग्रेस वही जेएमएम भी कर रही है, तो इसमें किंतु परंतु का कोई बात नहीं है। ठीक है, तो झारखंड में गठबंधन की सरकार चल रही है, राजद कांग्रेस और जेएमएम शामिल है, लेकिन जेएमएम जो है वो गठबंधन धर्म से हटते हुए एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रही है, लेकिन कांग्रेस जो है वो अपने पार्टी के विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रही है। और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की थी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि झारखंड में गठबंधन की सरकार चल रही है और इस राष्ट्रपति चुनाव से गठबंधन सरकार की मजबूती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि गठबंधन झारखंड में कितना मजबूत दिखाई देता है। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही, तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डीएसटी न्यूज़। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर द प्रयास इंडिया.com पर विजिट करें।